जी होंडा सिटी में एक इशू आ रहा है कि ये देखें आपके टैपिट से एक पाइप आ रहा है, इसमें एग्जॉस्ट गैसेस यहाँ से आती हैं इस पाइप के थ्रू, और ये देख रहे हैं आप जो छोटा पाइप, इसके थ्रू ये इस लाइन के थ्रू यहाँ पे ये आपके सक्शन में जहाँ से थ्रॉटल बॉडी एयर लेती है वहाँ चली जाती हैं, क्योंकि ये पैसेज देना ज़रूरी होता है कि ये एग्जॉस्ट गैसेज निकलेंगी, अदरवाइज़ अगर ये पोर्शन सही नहीं होगा तो यहाँ प्रेशर डेवलप होकर डिफरेंट सीज लीक होती हैं। तो ये एग्जॉस्ट हुड वेंटिलेशन का पार्ट है। अगर यहाँ से एयर हॉट गैसेस की बजाय ऑयल के अगर आपको ट्रेसेस नज़र आ रहे हैं, इट्स मीन कि आपकी गाड़ी के पिस्टन रिंग वीक हैं और यहाँ पे वो ऑयल को लीक हो सकता है, ऑयल को थ्रो करते हैं। तो अभी इसमें ऑयल के ट्रेसेस हमें नज़र आ रहे हैं, तो ये देखें यहाँ से ये लीक लग रहा है पाइप। तो इस पाइप को भी हम चेंज करेंगे, क्योंकि एवेपोरेशन से जो ऑयल आता है वो दोबारा एयर का पार्ट बन के उतारे। अब आपको ये सामने थ्रोटल बॉडी नज़र आ रही है और वो पाइप हम चेंज जो करना चाह रहे हैं उसके, तो वो भी देख रहे हैं आप। तो ये थ्रोटल बॉडी जो नॉर्मली जिसकी जो है ना वो आपको सर्विस रिक्वायर्ड होती है, चार इसमें बोल्ट होते हैं, अंदर एक सील होती है, सील भी चेंज होती है अक्सर। तो ये वो पाइप जो हमें एहसन भाई ने बताया था कि टैपेट से एक लाइन आती है, इससे ऑयल आ रहा तो सिस्टम में ऑयल पैन में प्रेशर बनता है और वो यहाँ से ऑयल ऊपर फेंकती है। तो इसका